सो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्टोरी शेयर करूंगा दो फ्रेंड्स की। सब कुछ सेम स्कूल, सेम कॉलेज, सेम लोकेलिटी जो नॉर्मली फ्रेंड्स में होती है। उसमें से एक हाईली सक्सेसफुल बना, सेल्फ मेड मिलियनेयर बना, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया, और दूसरा पर्सन वैसे ही स्ट्रगल करता रह गया जैसे ज़्यादातर कॉमन मैन स्ट्रगल करते हैं। तो आज हम दोनों के क्या थिंकिंग में डिफरेंस थे, क्या एक्शन में डिफरेंस थे, उसको हम लोग समझेंगे, ताकि आप देख सको कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो। और अगर आप गलत कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, गलत रास्ते पे चल रहे हो, तो आज से ही आप उस रास्ते को चेंज कर सकते हो, और आप एक विनर्स के माइंड को, थिंकिंग को, प्रोसेस को, लाइफस्टाइल को आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो क्या सोचता है, क्या करता है, कब करता है, और क्यों इतनी बड़ी सक्सेस को प्रोड्यूस कर सकता है, जो आप भी कर सकते हो। सो जो सक्सेसफुल फ्रेंड है, वो क्या करता है कि उसके लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, कोई भी आइडिया आता है, तो उस पर एक्शन लेना शुरू कर देता है, उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। और जो स्ट्रगलर फ्रेंड है, वो वेट करता है एक बड़े आइडिया का। उसको लगता है कि उसका टाइम, उसकी एनर्जी बहुत कीमती है, वो ऐसे वैसे आइडिया पे अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट वेस्ट नहीं करेगा। उसको एक बहुत बड़ा आइडिया चाहिए जो 100% उसको गारंटी दे कि वो फेल तो होगा ही नहीं, तो वो एक्शन ही नहीं लेता। यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। तो जो एक्शन ले लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, और ज़्यादातर लोग एक्शन ही नहीं ले पाते, सोचते रह जाते हैं। स्टेप नंबर टू, जो सक्सेसफुल फ्रेंड है उसका एक माइंडसेट होता है, वो उसको बोलते हैं आई डोंट केयर। वो ये नहीं सोचता कि उसका जो भी डिसीजन है, जो भी वो जिस रास्ते पे चल रहा है, जो भी वो रिजल्ट प्रोड्यूस करने वाला है, जितना भी वो सक्सेसफुल या फेल होने वाला है, लोग क्या सोचेंगे, वो इसकी चिंता नहीं करता है। और जो स्ट्रगलर फ्रेंड है, वो उसके माइंड में ये बहुत डोमिनेंट थॉट रहता है कि लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, ये इन्हीं चीज़ों में उलझा रहता है। स्टेप नंबर थ्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सक्सेसफुल फ्रेंड है, जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो जिस रास्ते पे चलते हैं, उस रास्ते पे उनकी जो डिज़ायर है ना, वो उनकी डिज़ायर नहीं रह जाती है, वो उनका कंपल्शन हो जाता है। वो डू या डाई की सिचुएशन में आ जाते हैं, क्योंकि वो जिस रास्ते पे चल रहे होते हैं उसमें फेल होना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनकी जो डिज़ायर थी, वो उनके कंपल्शन में बदल जाती है। और जो स्ट्रगलर फ्रेंड है, उसकी डिज़ायर ही रहती है, जिस पे वो चलना शुरू ही नहीं करता है। सो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो बहुत बड़ा डिफरेंस ले आता है। नाउ पॉइंट नंबर फोर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हीरो मास्क। देखिए, जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो ऐसा नहीं होता है कि वो चलना शुरू करें और सक्सेसफुल हो जाए, ऐसा नहीं होता। बहुत टाइम लगता है, बहुत अप एंड डाउन से गुजरना होता है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, और कई बार टफ फेज भी आते हैं। तो उन सब फेजेस में वो अपना हीरो मास्क लगा के रखता है। वो दुनिया को ये दिखाता है कि नहीं, ही इज़ अ विनर, ही इज़ गोइंग टू विन। वो अपने आप को पॉजिटिवली पोर्ट्रेट करता है, उसकी सिचुएशन कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, वो हीरो मास्क यूज़ करता है। और जो स्ट्रगलर फ्रेंड है, वो एक अनलक्की वाला माइंडसेट, अनलक्की वाले उसमें रहता है कि मैं तो लक्की नहीं हूँ, वो तो लक्की है। अब आप क्लोजली ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि किसने क्या चुना, किसने लक को चुना, किसने अनलक को चुना। और अब आप सोचें कि आप कौन से रास्ते पे चल रहे हैं। द नेक्स्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप, जो सक्सेसफुल फ्रेंड है, वो अपने फियर को हार्नेस करता है, यूटिलाइज करता है। देखिए, डर सबको लगता है, फियर सबकी लाइफ में आता है। और जहाँ लाइफ की बात हो, जहाँ हम लोग कुछ स्टेक पे हो, हम लोग बहुत कुछ पा सकते हैं, खो सकते हैं, तो फियर ना आए ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो अपने फियर को फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, उस प्रेशर को यूटिलाइज करते हैं, और सीखते हैं, और मेहनत करते हैं। और जो स्ट्रगलर फ्रेंड है, वो फियर ऑफ लॉस में रहता है कि कहीं ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, अब मैंने शुरू किया, मेरा दो साल और नुकसान हो गया तो, बिजनेस में ये नुकसान हो गया तो, वो नुकसान हो गया तो ये हमेशा फियर ऑफ लॉस के रास्ते को ही वो करता है, फियर ऑफ लॉस में रहता है। और जब दोनों जिस रास्ते पे चलते हैं, तो जो सक्सेसफुल फ्रेंड है, जिस रास्ते पे चल रहा है, अल्टीमेटली वो एक हैप्पी लाइफ लीड करता है, एक सक्सेसफुल लाइफ लीड करता है, एक बहुत बेहतर लाइफ लीड करता है, जो हमें से ज़्यादातर लोगों की डिज़ायर होती है। और जो अनसक्सेसफुल फ्रेंड है, ऑटोमेटिकली जिस रास्ते पे चला है, वहाँ पे कोई भी जो रे ऑफ होप, हैप्पीनेस, वो दिख ही नहीं रही है कहीं से, तो वो अल्टीमेटली सैड, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी, ब्लेम करना, इसी लाइफ को, इसी इमोशंस को कैरी करता है।
सो इस स्टोरी को समझने के बाद, इन 6 स्टेप्स को समझने के बाद, अब आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप अभी किस किस पाथ पे चल रहे हैं और अभी किस पॉइंट पे हैं। और अगर आप एक स्ट्रगलर पाथ पे चल रहे हैं तो आज इस इनसाइड स्टोरी को समझ के आज से ही आप अपना पाथ हमेशा के लिए चेंज कर सकते हैं। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू।